काई की साग बनाई थी तो का दीदी आज? आज चटनी बनाई थी। भारी चटनी खा रहे हो तुम भी, एक से एक सब्जी के निकल रहा है तुम्हारे बाड़ी से। आज ऐसे चटनी खाने का मन किया तो चटनी बना रहे, तुम्हारे भैया सब्जी का हरी हरी सब्जी का बनाते हो कहे, इसलिए आज चटनी बनाई। शौक भी रहता है नी। हाँ। बड़ी खुश लग रही है आज तो, बोलने का तरीका चेंज हो गया है तेरा। अरे आज ना तुम्हारे भैया सुबेरे से ना कह रहे थे चल बरघाट, चल बरघाट। मैंने काहे काहे के लिए? हाँ। तो कहते हैं नहीं, कहते हैं चल, कहते हैं बरघाट, कहते हैं ऐसे कहते हैं। फिर ले बताए नहीं रहे होंगे, कुछ मामला जरूर होगा। फिर ले गए जल्दी जल्दी, नहाए धोए तैयार हुए। हाँ हाँ। फिर बरघाट गए तो साड़ी लेके लाए। अच्छा, अच्छी सी साड़ी लाए हो? हमारे है कि बड़े खुश थे आज। हाँ खुश होएगा भाई, तुम्हारे घर का भैया जब चला के दे दिया, और हमारे घर का तो खटकंजूस, एक नंबर का मक्खी चूस आदमी। हाँ। पर सुन तो दीदी। हाँ। कितने की ली है? अरे 7,500 की साड़ी लिए हैं। अच्छा। अरारा, 7,500 की? हाँ, बहुत अच्छी साड़ी लाए हैं। सोना चांदी लगवाई है क्या? हाँ, चांदी की तार लगे। अरे ये भी आ रहे हैं इधर से रे दादा, आओ आओ आओ, हमारा रास्ता देख रही थी, आओ आना हो। तो सब अपनी से बैठे हो आप लोग? काम ना धंधा, चल मेरी चंद। अरे राम बेटा, सारे पापड़ लाई है तू? अरे हमारी बेटी परेशान कर रही थी जी, इसलिए हमने पापड़ लेकर के आए हैं। अच्छा। ताकि वो खाए। देखा भला एकटिया खा के देखती हूँ। नहीं भाई नहीं, हमारी बेटी के लेके आए हैं। एकटिया खाए, खाना दीजिए तुम। टेस्ट करके तो देखे। कब बनाई थी ये पापड़ को? आज बनाए थे। आदि बनाए हो? हाँ। बड़े अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं। सुन तो, दीदी कह रही है 7,500 की साड़ी लेके आए हैं करके इनके घर में। अच्छा। कसी से भाई दिखाओ तो। दिखाओ हा? हम लोग घर में रखे से घर में रखे से। अरे अच्छा। कसी से ना कसी ने भाई साड़ी घर में रखी से भाई, आओ ना तब देखना। अच्छा अच्छा अच्छा, लेके नहीं आई सु। अच्छा। एक नंबर जड़ी वाली लिया होगा भैया ने पक्का। हाँ ओ, तभी तो बता रहे हैं। आज हमारे घर का तो देख ऐसे धड़ी वाला लेता है दीदी, क्या बताऊं मैं, ये 200 रुपया की साड़ी बता। आज सबकी मन की इच्छा भाई। मन की इच्छा क्या, एक गत नहीं है मेरे घर वाले में। सुन। अच्छा। तुम्हारे घर वाले में गत है तो 7,500-7,500 की साड़ी पहना रहा है तुमको। ये देख ले ऐसे बड़े बड़े जड़ी की पहनी है इसने भी, और मैं देख ले इतनी सी साड़ी। अच्छा है, घर वाला लाता है साड़ी। हाँ, अच्छी अच्छी साड़ी लाता है, लाता है। हाँ। हर किसी को नहीं मिलता गा अच्छा घर वाला, जरा मेरे को तो कहाँ के कहाँ फूटे किस्मत मेरे ऐसा मिला है। देखते हो ना तुम कश्तीर महाभारी घूमता है रोड रोड में। सुधरेगा ना भाई? कब सुधरेगा, ये देखना बाल पकने लगे मुंडी के, कब सुधरेगा। अना ऐसे लड़का बच्चन को लेके आते हो ना, और जी जलता है मेरा, देखना ऐसे गोद में खिला रहे हो। मैं तो नसीब में तो वो भी नहीं है भाई, क्या बताऊं। धीरे से होगा, धीरे से, धीरे से, धीरे से। कितना धीरे, 8 साल हो गए शादी को, और कितना धीरे कर लूं मैं बता। मिलेगा मिलेगा, 8 साल का फल भी मिलेगा। हाँ छोटू भाई, कई भाई जिनको तो 15 साल हो जाते हैं ना, 20 साल हो जाते हैं, उसके बाद मिलता है। अरे ये तो दे चटनी खा रही है, देख ये रिरवा कद्दू ना वद्दू सब चीज लगाई है घर में, फिर भी देखना तू। मैं चटनी खाने की इच्छा हो रही तेरे भैया की, कह रही थे तूने क्या बनाई थी आज? हमने दाल लौकी बनाए थे। दाल लौकी? हाँ हाँ, अभी निकल रहे हैं तो बना। हाँ, निकल रही है ना दाल लौकी, अच्छी निकल रही है। पर सुन तो, तुम्हारे घर सास ससुर भी सही है दीदी, और तुम्हारे घर के भी तो दोनों अच्छे हैं, समझ रहे हो? अरे भाई, और रा दोनों के दोनों बोले। हाँ, बताने से वो बतलाता है, छुपाने से छुपता है। अच्छा। कहाँ अच्छे क्या पता। ले फिर भी जरा से अच्छे छाए, सब कुछ साड़ी वाड़ी तो ले रहा है तुम्हारे घर का भैया। हमारे घर के दोनों देवर तो पूरा छाए, और हमारे घर का पूरा बाली अच्छा है। जियो तो पूरा बाली अच्छा है दीदी, सही बता रही हूँ मैं। और मेरा ससुर सबसे ज्यादा खोटा। अच्छा। समझ रही है, मेरे यहाँ का ससुर तो सबसे ज्यादा खोटा, सबसे ज्यादा, समझ रही है। हाँ, सोचना चाहिए तेरा, एक ठिया बहू है। हाँ। 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 अभी दो दो हमारे यहाँ के बालियन की शादी नहीं की है दोनों। हाँ। की दांत टूटिया की ना लमडोड़िया की। हाँ। अच्छा। तो अकेली बहू है, दिखना चाहिए। हाँ। के नहीं। अच्छा। इतना साए साए लंग 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 मर्दाना जैसे काम करती हूँ भाई। सोचना चाहिए, बेटा को बोलना चाहिए कितना कमाता है रे, कम से कम बहू को ले जा बरघाट, ज्यादा नहीं तो 10-15 हजार की साड़ी तो दिला। सही बात है कि नहीं?
अच्छा किसको बुला रहे हैं वो भैया रे? ओ तेरे को बुला रहे छोटू जा रहे उधर रे। सोचना चाहिए कि नहीं? कितना करूंगी भाई अकेली हूँ मैं, बता सही बात है कि नहीं? सही बात है। मेरे घर वाले को कुछ बोलूं तो उनकी बात मानते हैं, घर अपने बाप की बात मानते हैं। सबके चाह होता है जी। क्या सबके चाह होता है ऐसा रे? सब आए रहते हैं। तेरे सास ससुर कैसे हैं तो दीदी? सब आए रे, क्या बताए। सास अच्छी तो ससुर बेगा, ससुर अच्छा तो सास बुरी। सही बात है, सही बात है। शुक्र है भगवान का कि मेरी सास नहीं है, समझ रही है? नहीं तो क्या मालूम क्या तांडव करती ना, क्या तांडव नहीं भाई मेरे पीछे। हाँ ससुर अभी इतना कर रहा है तो सास कितना नहीं करती। हाँ। सास ज्यादा करती। हाँ ना, सही। वो तो ससुर ऐसा होता है बाहर का भोरा होता है, जेंट्स का होता है। हाँ। लेडीज तो घर में देखती रहती है कि का कह रही है, का का देख रही है। तुम तो लेकिन मेरे यहाँ का ससुर आखिरी वाला लुगाई वाला है, समझ रही है? हाँ, लुगाई जैसे नियत रखता है, समझ रही है? हाँ, साड़ी लेंगे ना मेरे पति तो साड़ी के लिए बोलेगा, या फिर मेरे कुछ जेवर चट्टा ले रहे हैं तो उसके लिए बोलेगा। तो लुगाई जैसे नियत लगा के रखता है, बता। नहीं तो सास बोले तो चलता है नहीं। हाँ। कि बहू के लिए ले रहा है कोई। मेरा ससुर भाई आखरी वाला है। हाँ। लंगड़ के चलता है मगर ब्रांड वाली चप्पल पहनता है मेरा। अरे क्या बताऊं रे पिंकी, हमारे यहाँ के तो ये ब्रांड की ब्रांड पीते हैं। और क्या बताऊं, पूरा तुम्हारे भैया कमा कमा के लाते ना, वो पीपी के सफा सत्यानाश कर डाला है। अरे सब घर में यही आलम है, बेटा कमाए और ससुर उड़ाए ना सास उड़ाए, समझ रही है? हाँ रे। बहू उड़ा ले ना, बहू को इतना पैसा दे दिया, इतना पैसा उठा ली, ये ला ली, वो ला ली, चलता ही रहता है दीदी मेरे हिसाब से। अरे इसका लड़का बता। अरे तुम बातें करो रे, मेरी बेटी बड़ी परेशान करती है रे, उठ के जा रही है। इसलिए मैं बच्चा पैदा नहीं करती, समझ रही है? मत कर लड़का बच्चा बड़ा रोले, बिल्कुल गंगा जी भर दे बिल्कुल सनसन आके। हाँ नहीं लड़के बच्चे भी बड़ा उपाद भाई। हाँ अरे कहाँ रे, कहीं बैठने नहीं देते ना उठने नहीं देते रे। सही में बड़ा खिल खिल जरा। हाँ। थाली थाली को भी नहीं ले गई उसके बेटे के लिए, इधर खिलाने के लाई थी, मेरी जिंदगी पूरी नरक भाई। अच्छा अरे होता है सब घर में होता है रे, बताने से बताता है ना। हाँ। सुनाने से सुनाता है ना। हाँ। तो सबके घर ये छाल है। सही बात। अरे सही बात है दीदी। सब घर का कहानी, मैं जब तो ध्यान नहीं देती बिल्कुल भी। सही बात है। कुछ नहीं जी, तुम कहाँ हमारी बात सुनते हो तो कहाँ मालूम। ये पापड़ कहाँ से ला ली? ये दीदी ने लाई है। अच्छा मना करना दीदी खाने के लिए? भैया मैंने लाई थी, वो मेरा बेटा रो रहा था। नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, कैसे दबाएंगे? मैंने कही बहुत दिन होगा काम काम में फुर्सत नहीं मिली। अपने घर वाले की चुगली कर रहे होगे तुम? का की चुगली करूंगी भैया? ये मर्द माने ऐसे सोचते हैं कि अपन चुगली कर रहे हैं? लेडीज बैठ गए थे बस चुगली करते हैं। ये ना तुम कैसे बोलते हो भैया, रखे हो यहाँ आके बैठने जो बेकार है। ऐसे तो कई दिन बाद बैठने के लिए आई है, मर्द माना के बारे में बोल रहे होगे, कह रहे हो तुम, तुमको भी शर्म नहीं आ रही है? तेरे को ढांगने लगता भाभी के सामने, आराम ना शर्म कर रही है? सही तो बोल रही हूँ मैं। अच्छा हो गया भाभी लगती तो ना, बहू बैठी रहती तो अभी क्या कहती। तो तुम आते क्यों यहाँ पे पहले बताओ ना, क्या कहती वो भैया जी की इनको कैसी बोल देती दीदी कहती। तो तुम नाक कटवा होगे जब आओगे तुम्हारी बहू के सामने, तुम अपने घर में भी मत आओ क्या? अरे तो तुम उधरी से तो बोल सकते पिंकी, इधर आके कुचा यहाँ पे आके बैठ रहे हो। बहू बैठी रहती तो नहीं आता मैं, देख लीजिए भाई आखिरी वाला बालिया है मेरे घर। नियत को और खाते नहीं देख सकता, देखना नहीं खाती जब तक ऐसी दिखती हूँ मैं दुबली पतली। अरे भैया ऐसा नहीं हो करना ना, ऐसा क्या लड़ना अच्छा नहीं लगता, देख रहे शांति से रहना शांति से। अरे शांति के साथ ही रहूंगा कह रहा था तो मेरे बाप ने पिंकी डाल दिया मेरे नीचे। देख ले कैसा बोलता है देख ले। पूजा अर्चना सारी लाइन में थी। अच्छा पर ये बंदी मेरे गले जा रहा हूँ मैं, मुंह में घुसा के बम फोड़ दूंगी, बता रही हूँ लड़कीन का नाम लिए तो भाग जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ मैं अभी घूमने घामने में, बता रहा हूँ। और मेरे बारे में कुछ उल्टी सीधी बात की तो सोच। अरे जाओ ना, शाम को गला ही दबा दूंगा फिर। अरे हर्ड भैया सामने हमारे सामने इतना ये करते तो बाद में अकेले में कितना नहीं करता होगा बता दीदी। हैं मरकुंडा है बिल्कुल, देखना काला बोधा नहीं दिखता, बड़ा इससे लड़की पटेगी ज्योति आरती फलानी ठिकानी है।
हंस रही है तू भी, तेरा देवर है तो है लेकिन ना बेगत का देवर है तेरा, सही बता रही हूँ मैं। हाँ हर्ड भाई, तू भी कैसी बोलती है, इतना भी शक नहीं करना चाहिए, शक से ना ये होता है घर टूटता है। अच्छा, लेकिन मैं तेरे देवर पे शक नहीं करती दीदी। हाँ। मैं बड़े अच्छे से कहती हूँ, लेकिन वो इसने एक से एक लड़की का नाम लेता है बता। हाँ। और मैं कुछ जलाने के लिए बोलता होगा, और मैं कोई मरत माना का नाम ले बोला, शाहरुख खान, सलमान खान, इससे मेरी शादी होती। अच्छा। चल जाती है वैसे। हाँ। चिड़ाया करना होगा यार, लड़ने से क्या कुछ नहीं मिलता। ये देखे ज्योति भी आ गई। अच्छा। एक जा रही है तो एक आ रही है। आज तो किधर से दिन निकल रहा है। बहुत दिन से नहीं आई थी बैठने का, हमने कहे चलो आज बैठ। अच्छा आ गई रे, वैसे तो आती नहीं, मैं लहसुन लहसुन को रख के आती हूँ सामने। हाँ। में अच्छा नहीं लग रहा, मैं रख के आती हूँ। लड्डू बैठ बेटी, अब भी आती हूँ मैं। अरे अंदर गई है तो चाय बना के लाएगी। अच्छा सब आ गए बैठने का। मैं तो बहुत टाइम हो गया आई हूँ, बैठी हूँ तो। हाँ। आज घर में कोई काम नहीं था तो मैंने कहा पिंकी के साथ बैठती हूँ ना। हाँ। ये भी कहीं चले गए हैं। हाँ। तो घर में कोई नहीं है, बच्चे भी इधर उधर खेलते हैं, बोर लगता है तो मैंने कहा बैठने चल जाती हूँ ना। अच्छा। पिंकी अच्छी है रे, वो बहुत टाइम से मैं बैठी थी पर ना। हाँ। वो अभी गई होगी तो चाय बनाने गई होगी, बहुत टाइम हो गया ना। हाँ। मैं बहुत देर से बैठी थी, मैंने कही अकेली, उनके घर के लोग अच्छे नहीं है। हाँ, अच्छे नहीं है कह रहे होगा। हाँ, पिंकी के घर के लोग अच्छे नहीं है मैंने कही। हाँ मेरे घर के। हाँ। ज्योति तू देखती है ना, तेरे भैया को भी देखती है ना, मेरे ससुर को भी देखती है, कैसे है ना कैसे नहीं तो। वो अच्छे नहीं, तेरे को भी फटे तक काम कराई है, लेकिन तेरी सास मैंने देखी है। मैंने 4 दिन तक फल्ली खोदे है। हाँ लेकिन सुन तो, फल्ली कितने हुए बताना, मैं भी ले लूंगी फल्ली। 2 क्विंटल हुई है। मेहनत करते होगा दोनों। हाँ। जरा दोनों जर तुम्हारे यहाँ का वो छोटका करता है भाई। हाँ। तुम दोनों करते हैं, जब तो सनसना के अनाज होता है इनके घर। हाँ। करंता है जब से आई है शादी होके ना। हाँ। इसकी सास को कुछ करती नहीं है, ये जा जाके दौड़ दौड़ के मतलब लड़का फल्ली वाली खोदे सुखाकर। मैंने कही अब दीदी के यहाँ से बैठ के। अच्छा आ गए रे, तेरे को ऐसे टाइम नहीं मिलता, अभी परा पानी में भी ऐसे टाइम नहीं मिल रहा था, कोई किसी के घर नहीं जाता भाई। क्या नहीं दीदी, कहाँ वो इधर उधर भी जाना हो जाता है, परा वो जैसे तैसे लगाए। हाँ अब फिर कहेंगे धान काट आई चाह गई। अरे नवरात्रे हमारे यहाँ आ रहे हैं ना, जाले बोएंगे। अच्छा अभी पूरा काम मैच करूंगी ना, फिर उपास भी रहूंगी, मेरी सास कुछ काम नहीं करती। अरे पूरा मेरे हाथ करवाती है। अरे बहन सबकी घर की एक कहानी है सुन। अच्छा सास ससुर को ना पटता है तो पटाए, और नहीं पटता तो हटाए। अलग रहेंगे तो कम से कम अपने यहाँ के मर्द माना अपने कंट्रोल में तो रहेंगे। काम करते तो मोर्चा निकाल लेते हैं। अच्छा सही मेरे मोर्चा निकालते हैं ज्योति। अपन एक हफ्ते होते हैं 3-4 घर के ना, देखना सब साथ जुड़ जाएंगे और साथ में चलेंगे। अच्छे से रहो तो रहो, नहीं तो जाओ जाओ। सही तो ससुर डेंग 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 करते है ना, फिर भी करते छे ना अपन बहू होके तो सब कुछ करेंगे। कल को मरेंगे भी तो उनकी हगेंगे मुतेंगे तो अपन कराएंगे, कोई और नहीं कराने वाला। फिर भी ऐसे होते हैं ना तो निकालते हैं मोर्चा, साले को देखते हैं, और जो भी आएगी दारी हमारा ससुर अच्छा करके निकल कहेंगे हमारा ससुर अच्छा नहीं था, हम जा रहे हैं। हाँ, हाँ, निकालते हैं खादिन ज्योति पर। ठीक है। हाँ, ना निकालते हैं कहाँ तक की सहेंगे ना, पाप काटेंगे ऐसा निकालेंगे। जब सही में बता रही हूँ मैं सबके घर कहाँ तक अत्याचार सहेंगे। क्या बेटा चाचा आपको बुला रहे हैं। हाँ, अभी मैं जाती हूँ। हाँ, टाइम हो गया बैठी हूँ। हाँ, अब जा रही हूँ। हाँ, आना फिर है। हाँ, आऊंगी आना फिर से बैठ के। हाँ, अब तो निकालेंगे चांदो। हाँ, जा तू जा 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 जा, नहीं तो धड़ाधड़ मारेगा कई देर में आई। चल गा मैं भी जा रही, तुम्हें सास आई बेलिन जैसी होगी ना, कही की मेरी निंदा करने गई है कहीं। हाँ ये भी बात सही है, जा तो तू भी चले जा। हाँ हाँ मैं भी काम धंधा निपटाऊंगी घर के। खबर है तेरी चाय बनाई या नहीं बनाई। नहीं बनाई हूँ गा, मैंने कोई चाय बनाएगा चाय ना वाये कह रही। हाँ ठीक है जा जा है, जाओ भाई जाओ, मैं भी करूंगी घर का काम। किन 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 साम हुआ भात के लिए पूछेंगे मेरे घर में भी।